हेलो फ्रेंड, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने इंस्टाग्राम आईडी पर आपकी जो स्टोरी होती है उसको आप कैसे बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं आपको एक ऐसा एपीके का नाम बताऊंगा जिसकी मदद से आप बड़ी ही आसानी से अपना स्टोरी डाउनलोड कर सकते हो और अपने व्हाट्सएप, फेसबुक और कोई भी अन्य ऐप पर भी बड़ी आसानी से डाल सकते हो। तो आप देखिए, ये मैंने मेरी स्टोरी डाल रखी है। अब इसको मेरे को क्या अपनी व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाना है, तो इसको मैं किस तरीके से डाउनलोड करूँगा ये मैं आपको बता रहा हूँ। और फ्रेंड, मैं आपको बता दूँ कि आप इसके अलावा उस पर आप जो स्टोरी होती है उसको भी डाउनलोड कर सकते हो। फ्रेंड, पोस्ट और रील्स को भी आप बड़ी ही आसानी से उसकी मदद से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो शुरू करते हैं हमारा वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें प्लीज़ दोस्तों। सो फ्रेंड, अब हम आ गए हैं हमारी मोबाइल की होम स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल का प्ले स्टोर में जाना, उसके बाद आपको प्ले स्टोर पर सर्च करना है स्टोरी सेवर, और ये रहा स्टोरी सेवर। अब आपके सामने बहुत सारे स्टोरी सेवर आएंगे, पर आपको इनमें से कोई सा भी डाउनलोड नहीं करना। आपको इसमें थोड़ा स्क्रॉल करना है और आप जैसे ही थोड़ा नीचे आओगे तो आपको ये दिखेगा स्टोरी सेवर, इस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद ये मेरे पास पहले से ही डाउनलोड है, तो आप डाउनलोड कर लेना यहाँ से, ठीक है दोस्तों। तो अब इसको मैं ओपन करता हूँ। तो जैसे ही आप इसको ओपन करोगे तो आपसे बोलेगा लॉगिन का, तो आप इस पर लॉगिन करना, अपनी जो इंस्टा यूजर नेम है और पासवर्ड है उसको डालना पड़ेगा। ये साइड में नीचे लॉगिन लिखा है, इस पर क्लिक कीजिए। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका यूजर नेम और पासवर्ड डाल दिया है, और मैं अब इसमें लॉगिन करूँगा। लॉगिन हो रहा है, अब ये जैसे ही लॉगिन होगा ये अपना ओपन हो जाएगा एपीके, और ये अपने फ्रेंड्स की अपनी स्टोरी इसमें टोटल आ जाता है। ये देख के आप, मेरे जितने भी फ्रेंड हैं सबकी स्टोरी आ रही है इसमें, और इसके अलावा ये फर्स्ट में मेरी आ रही है, तो इसमें मैं क्लिक करूँगा। और क्लिक करने के बाद ये मेरी एक छोटा सा ये ऐड आएगा, इसको आप इसके ऊपर से हटा देना। हटाने के बाद सो फ्रेंड, इसमें आप अब पोस्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं और स्टोरी भी। तो अगर आपको स्टोरी डाउनलोड करना है तो स्टोरी पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद अपनी स्टोरी पर क्लिक कीजिए और ये नीचे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कीजिए। तो फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।